शनिदेव एमती एक ना जहाँ को शुणिले भल भल लोकंर पैंट ओदा हो जाए कहीं महाशयर दृष्टि पड़े कहीं कई बहुत बड़ ही था आई कई बहुत बड़ लोकर गरीब बनी था सत जे शनि दृष्टि क्यों भी देवता क्यों भी मनीष ना क्यों भी राक्षस कहीं भी त्राही पाई पारी ना सब बड़ कथा है स्वयं भोलेनाथ शनि दृष्टि पार पाइन आपण देखुं लाइफ विदाउट स्क्रिप्ट आज मुझे आपण मानक दुईटी पौराणिक कहानी जहाँ को शुणिले आपण कहे वाह शनिदेव आपण तो महान। हठात गोटे दिन शनिदेव आसी महादेव पाखे पहुँचले आहले हे महाकाल मत क्षमा करे मुझे आपण राशि आसुची आउ मो कोप दृष्टि आपण दिन सारा रुणी भोलेनाथ कहले हे शनिदेव आपण काली केते समय मो उपरे दृष्टि रखिबे। शनि कहले हे गुरु परम पूज्य भोलेनाथ आसंता काली मु आपण दीर्घ 6 घंटा आपण सहित रहिबे। यहा सुनिया परे महादेव भी चिंतार पड़गले आ शनिदेव वक्र दृष्टि रक्षा पाइबापी कि समय उपाय चिंता कले। यहाँ भगवान शंकर एक हाथी रूप नहीं पृथ्वी पृष्ठ को आसीगले आ संध्या समय पर्यंत समय बिताएले आ संध्या हेला परे महाकाल भाविले कि एबे तो समय बीतीगला 6 घंटा भी सरीगला एबे मु कैलाश को फेरीजी आ निजर रूप धारण कर भोलेनाथ फेरीगले कैलाश को सेठी देखिले निजे शनिदेव तांकु अपेक्षा कर बस। महादेव पचारे देखिल शनिदेव तुम्हार कौन सी कुदृष्टि मो ऊपर पड़ा ना यह शुणि शनि कहले महादेव आज पर्यंत मो कुदृष्टि कहीं पार पाई से बोध हुए आपण देवजन्म छाड़ पूरा दिन पशु जन्म नहीं शुणी महादेव बहुत खुशी होते शनि को खुशी कुंडे पकई तो प्रथम कहानी आहरी एक रोमांचकर कहानी अच्छे पुणी थे ये कहानी रे महादेव शनि कोप दृष्टि शिकार होते कहानी टी एमती थी दिने भोलेनाथ आ माता पार्वती कैलाश रे बसी एकांत कथा होती बेले माता पार्वती महादेव को कहले जे आपण तो पूरा ब्रह्मांड को रक्षा करते आपण हिसाब रे दुनिया चले आपण कृपा रे सारा दुनिया रे समस्त प्राणी किसी ना कि लाभ करछन्ते किंतु मोर गोटे अफसोस रही कि आमर गोटे सुंदर घर कले हुंता ना समस्त घर अच्छी आउ केते दिन आम पर्वत उपर रहिबा। एक शुणी महाकाल कहले ठीक अच्छे तुम्हें जिते बड़े कौच एक मु कौन अग्राह्य कर तुम कथा अनुसार घर खंडे करिबा। यहाँ महादेव माता पार्वती एक खूब सुंदर वास तैयारी आउ पार्वती यह देखि बहुत खुशी हेले किंतु महादेव मन में कि शंका रही काले शनि किसी दोष आम उपर ना तो से कथा पार्वती को कहले आ दुईज आलोचना कला विचार कले कि थे जा शनि को भेट करने ही है आने भोला शंकर बाहर शनि पाखक किंतु जीवा पूर्वर माता पार्वती को कही कि जदि शनि कोप आम घर उपर थाए ताहले गोटे काम करिबो सेठू थाई मु डमरु बजेबी आ से शब्द शुणिला तुम्हें निजे निजर घर टी भांगी दबो। एक कथा माता पार्वती भी राजी हो गले और शनि अभिमुखे बाहर महाकाल सेठी पहुँचला परे शनि शिव को देखिक आश्चर्य हेले कहले महादेव आपण एठाक आसबार कारण कौन जापे कि महादेव कहले कि बहुत दिन है भागुले आसवापी समय कम थिला आउ आज समय टिके मिलला चली आस बुलवा कथा हे हूँ। महादेव शनि को पचारे मु गोटे नुआ घर करण आपण कुदृष्टि मो घर उपर अच्छी कि यह शुणि शनि कहले हे महाकाल आपण गुरु मोर शनि दृष्टि यह केमी संभव क्षमा करी मत यह मो द्वारा संभव नुहे। यह शुणी महादेव कहले ठीक अच्छे एवं मुझे निश्चिंत रही आबे कैलाश को बाहरी जाऊँ किंतु शनि एत जल्दी शिव को छाड़क नाराज कहीं दिन पर भेट होेतु महादेव जीवाई तरबर होवु शनिदेव कहले महाकाल मु
ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଡମ୍ବରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିନି। ଏ ଅଧମକୁ ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତିନି। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେବ ନିଜର ଡମ୍ବରୁ ବାହାର କରି ବଜେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ଅତି ଖୁସି ଏତେ ଜୋରରେ ବଜେଇଲେ ଯେ ସେ ଡମ୍ବରୁର ଶବ୍ଦ ଯାଇ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଶିବଙ୍କର ଡମ୍ବରୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଜର ଗଢ଼ିଥିବା ସୁନ୍ଦର ଘରଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହାଦେବ ଫେରିଲେ ସତ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ପାର୍ବତୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ମହାଦେବ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ହେଲେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ।